कौन है अलवेश यादव, क्या क्या जीता है इन्होंने, क्या किया है इन्होंने देश के लिए, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। क्या है बिग बॉस? बिग बॉस का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी प्रतिभा बाहर आती है, या आप देश को कोई संदेश देते हैं? अलवेश यादव नशा, अलवेश यादव स्नेक बाइट, अलवेश यादव रेव पार्टी, मतलब आप सोचिए, गूगल पे कीजिए अलवेश यादव रेव पार्टी डालिएगा तो उनका नाम, नशे में नाम डालिए, ड्रग्स में नाम डालिए उनका नाम, और ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के, अधिकारियों के बच्चे बंदूक हाथ में लेके वीडियो बनाते हैं। ये यूथ को क्या आप करिए ना, आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, आप संस्था से जुड़िए, आप सफाई के क्रम में आगे आइए, हम तब समझेंगे कि हाँ ये पैसा ये यहाँ से कमाते हैं, एंटरटेनमेंट से कमाते हैं और सही रूप से देश के आवाज वापस करते हैं, पर नहीं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। अलवेश यादव, आज हम अलवेश यादव का जिक्र क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन जिक्र करना जरूरी है क्योंकि अलवेश यादव को एक तबका ऐसा है युवाओं का जो पूरी तरह से रोल मॉडल मान चुका है। खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा था कि अलवेश यादव जो हैं वो देश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। हरी जी, क्या वाकई ऐसे लोग रोल मॉडल हो सकते हैं आज के युवा के लिए या देश के भविष्य के लिए? देखिए काजल, ऐसा है कि कौन है अलवेश यादव, क्या क्या जीता है इन्होंने, क्या किया है इन्होंने देश के लिए, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। क्या है बिग बॉस? बिग बॉस का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपकी प्रतिभा बाहर आती है, या आप देश को कोई संदेश देते हैं, या आपके द्वारा कुछ भी कार्य किया गया देश के यूथ को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाता है? ये सिर्फ एक नाटकीय प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम को अगर हमारे मनोहर लाल खट्टर ने उसको यूथ का यूथ के लिए बोला है कि प्रेरणादायी है, तो मनोहर लाल खट्टर को भी सोचना चाहिए कि देश के खिलाड़ी सड़क पर थे वो प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे लोग अगर प्रेरणा देंगे तो हमारा देश किस तरफ जाएगा, ये सोचने का विषय है। आप इसके अलवेश यादव के या अलवेश यादव जैसे कई लोगों के वीडियो देखेंगे तो अलवेश यादव जैसे लोग देश को कुछ नहीं देते सिवाय नुकसान के। इनके वीडियो से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। इनके वीडियो देख के बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं लाइफ में पैसा कैसे कमाया जाए, और ऊल जलूल वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो है अलवेश यादव जैसे लोगों के बारे में कि जिनको आप रोल मॉडल ना माने, ना ही आपकी संस्था को, ना ही आपके समाज को, ना ही आपके बच्चों को, ना ही ये खुद को, खुद तो खुद पैसा कमाते हैं पर आपको कुछ दे नहीं रहे, ऐसे को रोल मॉडल मानना बंद करें। दूसरी चीज, अलवेश यादव का नाम जब चर्चा में आया, अब सोचिए कि जिसको मनोहरलाल खट्टर बोल रहे हैं कि रोल मॉडल हैं यूथ के, दूसरी तरफ और कई नेताओं ने बड़ी शाबाशियां दी कि आप बिग बॉस जीत के आए हो, पर लोगों को समझना पड़ेगा कि बिग बॉस है क्या चीज़। ये बिग बॉस कोई कहीं तक नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दो, हरियाणा के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है, अगर उनको थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाए तो देश के लिए गोल्ड के ढेर लगा दें, वो ऐसे लोग हैं, ऐसों को रोल मॉडल बनाना चाहिए, पर नहीं। अलवेश यादव नशा, अलवेश यादव स्नेक बाइट, अलवेश यादव रेव पार्टी, मतलब आप सोचिए, गूगल पे कीजिए अलवेश यादव रेव पार्टी डालिएगा तो उनका नाम, नशे में नाम डालिए, ड्रग्स में नाम डालिए उनका नाम, और ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के, अधिकारियों के बच्चे इन रेव पार्टी में नज़र आते हैं। इसमें नॉर्मल परिवार का बच्चा कभी रेव पार्टी में नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसके औकात नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि ये पार्टियाँ बड़ी महंगी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं और गैर कानूनी रूप से ऑर्गेनाइज होती हैं, जहाँ पर ये ऐसे नशे करते हैं जो आम आदमी की रीत से और सोच से दोनों बाहर हैं। उन पार्टियों में शराब, गांजा और कई तरह के ऐसे जो नाम शायद हमें पता भी नहीं है, वो नाम ये लोग लेके आते हैं। लोग सोचेंगे स्नेक बाइटिंग, शायद डायरेक्ट स्नेक से कुछ कटवाते होंगे, ये करते होंगे, उससे नशा होता है, उसको भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये लोग बना के उस नशे को करते हैं। विदेशी लड़कियां, इन पार्टीज़ की खासकर वो है, और ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज करने वाले लाखों करोड़ रुपये एक दूसरे से चार्ज करते हैं, मतलब 20-25 लोगों की पार्टी अरेंज करी, वहाँ पर इन्होंने अच्छे पैसे चार्ज करके उनको को ये सुविधाएँ देते हैं। तो आप समझिए कि हमारा समाज किस तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। ऐसे लोग रोल मॉडल होंगे
क्या लंबी गाड़ियां लेने से, लंबी बड़े घर बनाने से क्या देश का निर्माण होगा? ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को। मैं नहीं बोलता एलविश यादव का रोल है कि नहीं है, मैं ये बोलता एलविश यादव का नाम उछला है तो बात दूर तक जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, लेकिन आप हमें ये समझना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जैसे ही ऐसे लोग हैं देश के जो उन्हें देख रहे हैं, जो उन्हें पसंद कर रहे हैं, वरना 14.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे 15.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। आप समझिए कि ये तो हम ही है ना, हम में से ही बहुत सारे लोग हैं। देखिए अब ये ना, यही तो समझने की ज़रूरत है कि ये इनकी इनका सफ़र जो है 2016 में शुरू हुआ। आपने इनकी बात करी, थोड़ा सा मैंने देखा कि इनका 2016 में सफ़र शुरू हुआ और कोविड टाइम पे देख लीजिएगा मैक्सिमम फॉलोवर्स इनके बढ़े हैं। लोग खाली थे, बच्चों के हाथ में मोबाइल थे और क्लासेस के नाम पे उनके माँ बाप ने उनको मोबाइल दिए थे कि भैया आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है। वहीं यूट्यूब इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, यूट्यूब भी पैसे कमा रहा था, यूट्यूबर भी पैसे कमा रहे थे। वहीं ये बच्चों को लत लगी इनके। अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो ये ज़्यादा 20-22 साल के इनके उसमें ग्रुप में मिलेंगे, इसमें कोई समझदार व्यक्ति इनके ग्रुप का कोई पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के वो हैं कि इनके फॉलोअर को मत देखिए, देखिए कि कौन सी यूथ इनको फॉलो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं। सारे ऐसे, पर वो तो हमारे यंगस्टर्स ही है ना। अगर 11 साल से भी आजकल हम देख रहे हैं कि 11 साल के बच्चों को पता है कि एलविश यादव कौन है, वो बता देंगे आपको। उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, पर उन्हें पता होगा कि हाँ सिस्टम बिग बॉस में वो आया था, वो जीता है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एलविश यादव। अभी एलविश यादव का एक वीडियो सामने आया, जब ये पूरा मामला निकल के आया ना 3 तारीख को, तब सैटरडे की रात में एलविश यादव का एक वीडियो आता है। वीडियो में हाव भाव से तो लग रहा है कि भाई वो घबराया हुआ है, हालांकि साफ तौर पर हम नहीं कह सकते कि हाँ वो इस चीज़ में शामिल है, बस नाम सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा नाम इसमें, मुझे नहीं पता सरगना क्या होता है, मेनका गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पूरी तौर पर मेनका गांधी द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है PFA, उसके द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन था और स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया, तब जाकर ये वीडियो सामने आया। अब वो कह रहे हैं कि मैं मानहानि का केस वहाँ दर्ज करवाऊंगा क्योंकि मैं नहीं जानता, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि एलविश यादव इसमें शामिल है या मेनका गांधी गलत है, तो जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि रेव पार्टी जो कि भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और अगर आप रेव पार्टी कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे प्रतिबंधित जीवों को लाया जाता है या कुछ ऐसा नशा होता है जो पूरी तरह से बैन है, तो ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिस एरिया में हो रही है वहां के अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहां का जो जनप्रतिनिधि है वो क्या कर रहा है? देखिए काजोल, ऐसा है कि घटना घटेगी तो पता लगेगा। अब आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, आपके मन में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस जो आपने सोच रखी है, अब जब उस सोच को आप जब तक आप करोगे नहीं तो अब कैसे पता लगेगा? इसमें देखो, प्रशासन को, किसी अधिकारियों को, आपने जैसे जिस तरह से बोला, किसी को दोष देना गलत है। ये उनकी गलती है जो आपको पता है कि बैन है और आप कर रहे हो। आपने चोरी की तो पुलिस को पता लगेगा ना कि चोरी हुई है। मन में चोरी की उसका कोई तरीका नहीं है ना कि आपके मन के चोर को पकड़ लिया जाए। लेकिन इसमें लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं ना कि ऐसा पहला मौका तो है नहीं कि रेप पार्टी। वही मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें जब ऐसे पहले भी एक बार हुआ था, नोएडा के वैभव कृष्ण जी इसमें SSP थे और सेक्टर 135 की लगभग की ये बात है, और जहाँ पर इस तरह की रेप पार्टी अरेंज की गई थी और उसमें बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े मैं बोलूँगा IAS IPS और बड़े नेताओं के बच्चे वहाँ इन्वॉल्व थे, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस रेप पार्टी में पकड़े गए थे। अब उस मामले का क्या हुआ वो देखने का विषय है, बट ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज होती है अनऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब लॉफुली नहीं होती हैं, और लॉफुली तो ऑर्गेनाइज हो भी नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसी कई मामले और भी हैं जिन पे अगर हम बात करें तो शायद नोएडा में सुनसान हो जाए। ऐसे हमने कई और भी केसेस किए हैं जहाँ इल्लीगल तरीके से ये होता है, और इस बात के लिए हमने अधिकारियों को बताया भी है कि नोएडा के अंदर इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप इन घटनाओं को रोक लगाएं। वो अगले प्रोग्राम का विषय हो सकता है हमारा, पर अभी एलविश यादव और एलविश यादव से जुड़े मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दों पे जब बात होती है तो हमें यूथ को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को समझाने की ज़रूरत है कि इनको रोल मॉडल ना माने, ये आपको आपके देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। ये गलती कौन कर रहा है? ये गलती एलविश यादव कर रहे हैं, यूथ कर रहा है, हमारा प्रशासन कर रहा है, या एज अ पेरेंट्स
हम खुद ये गलती कर रहे हैं। एज अ पेरेंट्स सबकी गलती है कि हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं, वो क्या देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो पसंद कर रहे हैं, किन चीज़ में वो एंटरटेन हो रहे हैं, ये देखने का विषय है। और उसको पता लगाने का साफ सा तरीका है कि आपका बच्चा अगर कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है जहाँ सिस्टम कर रहा है, हैं, और माहौल बनाने की बात कर रहा है, आप देखिए इनके गाने, राव साहब का और ये साहब का और वो साहब का, देशभक्ति के गाने हैं क्या ये? बंदूक हाथ में लेके वीडियो बनाते हैं ये यूथ को क्या? आप करिए ना, आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, आप संस्था से जुड़िए, आप सफाई के क्रम में आगे आइए, हम तब समझेंगे कि हाँ ये पैसा ये यहाँ से कमाते हैं, एंटरटेनमेंट से कमाते हैं और सही रूप से देश के आवाज़ वापस करते हैं। पर नहीं, हमारे इन माँ बापों को समझने की ज़रूरत है। ऐसे यूथ के पास जब आप जाएंगे, क्योंकि बहुत जब ये मामला आया तो मैंने भी बहुत ज़्यादा एल्विश यादव के बारे में पता करने की कोशिश की, हालांकि जानते तो हम भी थे जब बिग बॉस में आए, लेकिन उतना डीपली नहीं पता था कि एल्विश यादव कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। शुरुआत की छोटी मोटी वीडियोस बना के, फ़नी वीडियोस लोगों को पसंद आई, उसके बाद फिर चीज़ें जो है ना वो हथियार नशे की तरफ बढ़ती गई। और लेकिन अभी भी जब पूछा जाता है ना, जब आप कमेंट सेशन में जाएंगे तो दो धड़े बटे होते हैं, एक तो एल्विश यादव सपोर्ट, एल्विश यादव सपोर्ट, एल्विश भाई, एल्विश भाई वाली चीज़ें होती हैं, एक तरफ ये होता है कि एल्विश यादव ने किया क्या है, तो फिर ये बताया जाता है कि एल्विश यादव पर्सनल लाइफ में लोगों की मदद करते हैं। आप कौन से एनजीओ से जुड़े हैं, इसका कोई नामो निशान नहीं? देखिए, मैं इस बात को मैं बोलूं कि बिग बॉस में अगर एल्विश यादव गए हैं और जो इसके होस्ट हैं तो उनसे सीख लें, उनसे ज़्यादा मदद तो नहीं करता होगा कोई। बींग ह्यूमन का ब्रांड है उनका। और आपको मैं बता दूं कि सलमान खान का नाम हमेशा से अच्छे कामों में भी जोड़ा गया, पर उन्होंने उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं की, उन्होंने उस चीज़ का कभी वीडियो नहीं बनाया। ये लोग जो करते हैं ना, अगर एक ठेली वाले की मदद करेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे, मिलियंस में व्यूज़ पाएंगे, 5,000 रुपये ठेली वाले को देके, और उससे 50,000 रुपये कमाएंगे उस वीडियो से। ये तो काम है। इसी तरह से सोशल मीडिया शायद इसी बिल्कुल ओटीटी पे आप देख रहे होंगे आजकल बिग बॉस सीजन 17 चल रहा है, वहाँ तहलका भाई के नाम से भी एक व्यक्ति और है, मदद करता है, वीडियो बनाता है, उस वीडियो को पब्लिक इकट्ठी करेगा, एक संतरे वाले से संतरे खरीद लेगा सारे, फिर पब्लिक में बांट देगा, उसको 3,000 के संतरे 5,000 रुपये के बेच देगा, आइसक्रीम बेच देगा, कहीं कुछ करेगा, पर आप व्यूज़ देखिएगा, उस व्यूज़ से वो पैसे कमाता है। तो वो कोई, अगर आपके मन में किसी के प्रति आपको सही में किसी की मदद करनी है, उसका प्रचार मत करो। तब तो मैं मानूं कि वो प्रचार नहीं कर रहा था, वो मदद करना चाह रहा था, उस प्रचार से आप पैसे कमा रहे हो। आप इसमें दानी मत मानो इन लोगों को, ये दान नहीं है। इन्होंने नब्ज पकड़ ली लोगों की कि इस तरह के वीडियो बनाने लोग पसंद करते हैं, और पसंद करने से हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, हमारा टाइम बढ़ता है, जितनी देर वो वीडियो चलती है उस हिसाब से पैसे आते हैं, और पैसे से आप 5,000 रुपये में 50,000 रुपये कमा के बैठे हो। बिल्कुल, हमें सोचना होगा कि हमारा देश का जो युवा है या उभरता जो शख्स है वो किस तरफ जा रहा है। हम सोशल मीडिया पे 24 घंटे रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हम उस पर देख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, ये शायद हम समझना भी नहीं चाहते। अभी तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जो है, शीतल देवी नाम की एक लड़की है, 16 साल की है, उसके हाथ नहीं है, पैरों से उसने तीरंदाजी की और उसने गोल्ड मेडल जीता। उसका नाम शायद मैं बोलूं, खट्टर साहब से पूछें कि क्या ऐसे बच्चों का नाम आपको नहीं लेना चाहिए? रोल मॉडल किसको बनाना चाहिए? जिसके हाथ और पैर नहीं है वो रोल मॉडल होना चाहिए, जिसके इच्छा शक्ति, उसकी उसका दृढ़ संकल्प जो है वो काम का था। या एल्विश यादव आपके रोल मॉडल हो गए, आप वोट की राजनीति करेंगे? हम बोलते हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या अन्य दल हो, कोई भी इन लोगों को अगर लेके अपनी वोट की शक्ति बढ़ाना चाहता है तो आप सबसे बड़े गलत हो। जो भी नशे को आगे बढ़ावा दे रहा है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के चक्कर में उर्फी जावेद, राखी सावंत, एल्विश यादव, इन सब लोगों को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लाइमलाइट में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देना है जो कि देखिए, अभी हमने एशियन गेम्स में हमने देखा कि इतने सारे हमने गोल्ड मेडल, हमने इतिहास रच दिया, उसका जिक्र हमारे युवाओं को पता ही नहीं है। आप भी अगर घर में जाएंगे और मैं भी अगर कहीं जाऊं, छोटे छोटे बच्चों से पूछूं, उन्हें नहीं पता कि एशियन गेम्स क्या हुआ, कितने मेडल जीते। बिल्कुल, यही चिंता का विषय है। तो यही हमारे को ये देखना है कि सिस्टम जो है, सिस्टम इनका सिस्टम नहीं, हमें अपने बच्चों का सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है, जहाँ हमारे के बच्चे किसी और तरफ जा रहे हैं, कल के दिन हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो सही में स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, या इस तरह की कहीं पे बच्चे खड़े होकर रील बना रहे हैं। उनको शॉर्टकट लग रहा है कि लाइफ में शॉर्टकट इस तरह से पैसे आ सकते हैं, और उस पैसे से कौन सा नशा करने वाले हैं, ये माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर कहीं ना कहीं ये
ओपिनियन भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सुझाव देते हैं कि इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा देश का युवा सबसे ज्यादा किस चीज में इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो भारत टॉप पर नहीं आता था, लेकिन भारत अब टॉप पर है रील्स बनाने में। हमारे यहाँ देश में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बुरे काम की चर्चा और बुरे काम का वो है ना, वो तुरंत फैलता है। मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में बोला कि आप कुछ गलत कर दो, वो अभी अभी फैल जाएगा। अभी हम ऑन कैमरा किसी को ऐसे को गाली दे दें जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग हमारी उसमें दूसरे तरह से बुराई कर देंगे। पर हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए नहीं ज़रूरत लगेंगे कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपने बच्चों को इससे दूर रखें, किसी को ऐसा रोल मॉडल ना बनाएं। इस चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहते हैं पर उसको नहीं सुनेंगे। अरे ठीक है, ये तो हमें पता है, बोलते हैं ना कि ये तो हमें पता है। अच्छा, ये हमारे बच्चों की बात थोड़ी कर रहा है। जब तक आप ये सारी बातें अपने पे नहीं लेंगे, ये चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती। हर बात को अपने पे लेना पड़ेगा, हर बात से जुड़ी बात अपने बच्चों पे लेनी पड़ेगी, तभी हमारा घर घर ठीक होगा, हमारा देश एक होगा, हमारे देश की ग्रोथ होगी और बच्चे आने वाले भविष्य हमारा देश का उज्ज्वल होगा। NCB जो आंकड़े जारी करता है उससे कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि एक तरफ हम कहते थे कि उड़ता पंजाब, लेकिन अब तो देश में ही नशा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इतनी रोक के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, आप किसी भी कॉलेज कैंपस में चले जाइए, आपको युवा जो हैं नशा करते हुए मिल जाएंगे। और इसमें सब इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़के, लड़कियाँ भी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल, ये सबसे चिंता का विषय है कि इस तरह का नशा हमारे देश के अंदर घूम रहा है और कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कौन लोग इस तरह के हमारे युवाओं को उस तरफ धकेल रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और सोचने से पहले मैं बोलता हूँ सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, आपके आस पड़ोस के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो एक दूसरे के माँ बाप को सचेत करें। हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा नहीं है, दूसरे का है तो कोई बात नहीं जाने दो, या दूसरे के लिए बोलने में झिझकते हैं कि उसके माँ बाप कहीं गलत ना समझें। वो एक बारी का गलत हो सकता है, वो दूसरे को सचेत कर दे। ये बहुत बताना ज़रूरी है कि आपके बच्चे, वो डर होना बहुत ज़रूरी है, आस पड़ोस का डर होना ज़रूरी है। आज की जो यूथ है ना, वो आस पड़ोस से भी नहीं डरती, वो बोलते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। पहले के टाइम पे, मतलब मैं जिस जनरेशन का हूँ, हम लोग मोहल्ले मोहल्ले तक एक दूसरे को जानते थे और एक डर रहता था, एक रिस्पेक्ट रहती थी और दिन भर गर्दन ऊपर नीचे झुकती रहती थी कि नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आज वो टाइम नहीं है, आज पड़ोस में भी लोग हेलो हाय नमस्ते भी नहीं करना चाहते कि हमारे से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मेन कारण है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, और ये हमें समझना होगा। बिल्कुल, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एलविश यादव गलत हैं या एलविश यादव सही हैं, मेनका गांधी सही है या मेनका गांधी गलत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि देश में युवा जो है वो नशे की तरफ आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। नशा सिर्फ ड्रग्स, नशा सिर्फ स्नेक बाइट, इसका नहीं कह रही हूँ मैं, नशा है एक सोशल मीडिया का भी। हमें संभलना होगा, देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वही देश का भविष्य है। एक तरफ हम कहा जाए तो देश परचम लहरा रहा है, चाहे वो एशियन गेम्स की हम बात करें या वर्ल्ड कप की हम बात कर लें, इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा कर रही है, तो उस तरफ आप जाइए ना। रोल मॉडल बनाना है, विराट कोहली को बनाइए, महेंद्र सिंह धोनी को बनाइए, मोहम्मद शमी को बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलविश यादव, सिस्टम, राव साहब, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने किया क्या है आप देखिए, उस चीज़ को समझिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जी, तब तक के लिए हम ये कहेंगे कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसको सोचिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, ये सबके लिए सोचने का विषय है कि हमारा रोल मॉडल कौन होगा। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।